हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज की रेसिपी है ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन, नमक, हल्दी और ये मैंने चाट मसाला लिया। आप गरम मसाला या कोई भी मसाला यूज कर सकते हैं और इसे पानी की मदद से इसका घोल तैयार कर लेंगे। घोल हल्का ठीक ही होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो हम घोल बनाते हैं। तो ये देखिए मैं घोल तैयार कर रही हूँ, अपने हाथों की मदद से ही बनाए, ज़्यादा अच्छा बनेगा। देखिए बन के रेडी है। आप ब्रेड में बनने की फिलिंग तैयार करेंगे, ब्रेड में डालने के लिए फिलिंग, उसके लिए हमें चाहिए कुछ उबले हुए आलू। मैंने इसमें खड़े प्याज डाला, आप इसको फ्राई करके बना सकती हैं। और मैंने इसमें गरम मसाला, चाट मसाला और नमक डाला। और हमें चाहिए ब्रेड। ब्रेड पकौड़ा ये बहुत ईजी है, आप अपने घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड। दो ब्रेड को मैंने ले लिया, उसे चार पीस में कर लेंगे। देखिए मैं एक ब्रेड को चार पीस में कट कर ली हूँ, आप इसी तरह दो ब्रेड को चार चार पीस में कट कर ले और उस पर फिलिंग डाल। देखिए हमें इस तरह इसके ऊपर इस तरह फिलिंग डालना है, चारों के ऊपर हमें इस तरह अच्छे से दबा के फिलिंग डालना है। देखिए मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया, इसमें मैंने रिफाइन ऑयल डाला है। ये अच्छी तरह से गरम हो गया है तो अब हम अपना ब्रेड पकौड़ा तलेंगे। छोटी छोटी टिक्की बनाई थी उसे हम अपने घोल में डीप करेंगे अच्छे से। और ये हमारा स्मॉल एंड मिनी ब्रेड पकौड़ा, इस तरह हम सभी डाल देंगे। देखिए मैं इसमें ब्रेड डाल दी थी, अब ये दोनों तरफ से अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। ये हमारा स्मॉल एंड मिनी ब्रेड पकौड़ा बनके तैयार है। आप इसे आराम से और आसानी से बना सकते हैं और ये हर उस ब्रेड पकौड़े से तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। ये देखिए इसे हम क्रिस्पी होने तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा ब्रेड पकौड़ा बनके तैयार है, इसे हम प्लेट में निकालें। देखिए हमारा झटपट ब्रेड पकौड़ा बनके तैयार है। अब इसे हम अच्छे से सॉस के साथ कभी भी ट्राई कर सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ, सॉस के साथ। अब इसे स्नैक्स में अपने घर में ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें।